नमस्कार, टीवी राजस्थान के ए प्रवासी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज हम मिलेंगे ओम प्रकाश जी सोनी से, जो राजस्थान के बीकानेर जिले के लोखा कस्बे के वतनी थे और अभी सूरत में रह रहे हैं। तो कस्बा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है और मेरा बचपन, मेरा प्राइमरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन लोखा में हुआ। लोखा के बाद मेरा ग्रेजुएशन फिर हमने जयपुर से किया और मेरा सीए दिल्ली से हुआ। मैं 1990 में सीए कर लिया और फिर 95 में मैं सूरत में अपना ऑफिस स्टार्ट किया। राजस्थान राज्य एक रंगीला राज्य कहलाया जाता है, तो उसके लाइफ के बारे में बताइए। वहाँ पर ऐसा क्या होता है जो यहाँ पर आप मिलते हैं, कोई त्यौहार या फिर कोई ऐसा होता है जो सिर्फ वहीं का आपको अच्छा? त्यौहार और जो भी फंक्शन है वो फैमिली के साथ में होते हैं, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और नॉर्मली क्या है, राजस्थान और गुजरात के कल्चर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब इतना लगभग सब जीवित से है और ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तो फैमिली के साथ रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा। नहीं नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं पहले भी ग्रेजुएशन मेरा जयपुर से हुआ था, तो उसके बाद 6 महीने दिल्ली से किया, तो मुझे बाहर रहने की तो वैसे आदत थी, तो मैं ऐसा कभी नहीं लगा कि कहीं भी सेटल में होने में कोई दिक्कत हुई। हमारी जॉइंट फैमिली है, हम 7 ब्रदर हैं और हम सब नौका में, जब भी नौका में रहते हैं तो साथ में रहते हैं। बाकी हमारा फैमिली बिजनेस आसाम और दिल्ली है, एक भाई साहब नौका भी रहते हैं और मैं यहाँ से। अभी आपके फैमिली में आपके साथ कौन कौन है? अभी यहाँ पर सूरत में मैं, मेरी मिसेज और मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा अभी कोटा से हुआ, एक बच्चा अभी यहाँ चल रहा है, एक बच्चा कोटा में अभी कोचिंग ले रहा है। तो आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चों की इच्छा होगी वही उनकी। जैसे मेरे बड़े बच्चे की इच्छा थी कि वो इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहता है, तो उसको मैंने कोटा भेजा, वो बच्चों की इच्छा पर डिपेंड है, मेरी इच्छा का वो ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली को वैसे टाइम में कोई दिक्कत नहीं रहती है, नॉर्मली मेरा ऑफिस आवर्स है 10 to 8, तो 10 to 8 में ऑफिस में रहता हूँ, उसके बाद फैमिली का टाइम और संडे को नॉर्मली रहता ही है। और वहाँ के रहन सहन कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी क्या हम सब उसे बाहर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के बारे में कुछ और हमें बताइए जो हमारे दर्शक है कभी जानना चाहेंगे, एटमोसफियर या राजस्थान में से क्या? गर्मी और सर्दी दोनों ज़्यादा रहती है, तो वो ज़्यादा रहता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ हमें गर्मी भी बहुत अच्छी लगती है, सर्दी भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और राजस्थान में से गिरों की भूमि है और बीकानेर और ये अपना जो है क्योंकि मरुस्थल भूमि, वो दोनों की भूमि अच्छी लगती है। वो एक्सपीरियंस अच्छा था और जाना और वहाँ से सबसे मिलना बहुत अच्छा लगा, और हमारे यहाँ साथ में हमारे दोस्त लोग भी गए थे, सबको अच्छा लगा। तो उस टाइम फोन लाइन से रहता था, तो फोन में उन्होंने जो 3-4 क्वेश्चन पूछे थे उससे गए थे, वो मेरा नंबर लग गया। तो अभी आपको लोखा कब जाना होता है? लोखा नॉर्मली मेरा दिवाली वेकेशन और समर वेकेशन, ये हमेशा रेगुलर रहता है। दिवाली वेकेशन और समर वेकेशन लोखा में ही करते हैं, और बीच में कोई भी घर में कोई शादी वगैरह तो ऐसी कोई बात वहाँ थी जो आप यहाँ पर फैमिली के साथ रहना मिस हो ही रहा है, जो हमारे जॉइंट फैमिली के साथ में रहना हमेशा ही है। अच्छी हमारे दर्शक मित्रों के साथ बातें शेयर की, हम कभी आपके राज्य के बारे में इतना जानने को मिला और आपने अपने समय हमको दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।